नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। बाद में कहा गया कि कमेटी में सीपीआई के मेंबर का नाम भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर हो जाएंगे। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी। विपक्ष की मीटिंग खत्म होने के बाद दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा, हमने संकल्प लिया है कि मोदी जी को हरा कर ही दम लेंगे। बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला, हम अगले लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी। दूसरा, सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश भर में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां करेंगे। तीसरा, अलग अलग भाषाओं में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम के साथ पब्लिसिटी और मीडिया स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।